इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी, उसमें है प्रिंसिपल ऑफ साउंड एंड फंक्शनल फाइनेंस। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, टाइप्स में ही है प्रिंसिपल ऑफ साउंड एंड फंक्शनल फाइनेंस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ साउंड फाइनेंस। सबसे पहले पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। फिजिकल पॉलिसी डील्स विद द गवर्नमेंट पॉलिसी इन द रिलेशन टू रेजिंग द रेवेन्यू थ्रू टैक्सेशन एंड अदर मीन्स एंड द डिसाइडिंग ऑन द लेवल एंड द पैटर्न ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, फिजिकल पॉलिसी टैक्स रिलेटेड होती है। और फिजिकल पॉलिसी कौन फ्रेम करता है, गवर्नमेंट फ्रेम करती है। फिजिकल पॉलिसी में सभी आ जाते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर आ जाता है, पब्लिक रेवेन्यू आ जाती है, पब्लिक डेब्ट आ जाती है, राइट। ये सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल पॉलिसी। और गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी क्यों फ्रेम करती है, क्योंकि उसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव अचीव करने रहते हैं इकोनॉमिक को लेके, राइट, कंट्री को लेके। तो फिजिकल पॉलिसी क्या करती है, गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी के थ्रू क्या करती है, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है लोगों पे, उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से टैक्स रेट चार्ज करती है। ठीक है, तो टैक्सेशन मिलता है, टैक्सेशन मतलब क्या होता है, रेवेन्यू मिलता है, और उस रेवेन्यू से गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है, मतलब इकोनॉमिक वेलफेयर करती है, सो इकोनॉमिक ग्रो कर सके, डेवलप कर सके। ठीक है, तो ये फिजिकल पॉलिसी होता है। तो इस फिजिकल पॉलिसी में कुछ टाइप्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ साउंड है एंड द फंक्शनल फाइनेंस है, राइट। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द प्रिंसिपल ऑफ साउंड फाइनेंस। ओके, द प्रिंसिपल ऑफ साउंड फाइनेंस, ये जो प्रिंसिपल ऑफ साउंड फाइनेंस है, ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बताते हैं। और ये जो प्रिंसिपल है वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के हिसाब से लेजिस्फेयर सिस्टम पे बेस्ड है, राइट। जो मतलब जो ट्रेडिशनल गवर्नमेंट होते थे, उनकी एक्टिविटी बहुत कम होती थी, मतलब डिफेंस, लॉ, जस्टिस, राइट, कंट्री को लेकर कुछ लिमिटेड एक्टिविटी होती थी। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर भी कम होता था, मतलब जितनी कम एक्टिविटी होती थी उतनी कम उनकी एक्सपेंडिचर भी होती थी, राइट। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ साउंड फाइनेंस है ना, वो ट्रेडिशनल पे बेस्ड है, राइट। जब गवर्नमेंट का इकोनॉमी पे इंटरवेंशन नहीं था, मतलब सिर्फ मार्केट अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर जाती थी, मार्केट खुद हैंडल करती थी इकोनॉमिक ग्रोथ, वेलफेयर, राइट। तो ये उस समय की बात है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ साउंड फाइनेंस। बट प्रायर टू द 1930, देखो 1930 के पहले ये प्रिंसिपल फॉलो होता था, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, मतलब इकोनॉमिक में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन था ही नहीं, मार्केट खुद हैंडल करती थी और ऑटोमेटिकली एडजस्ट करती थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, राइट। तो प्रायर टू 1930s क्लासिकल इकोनॉमिक्स डिड नॉट इंक्लूड फिजिकल पॉलिसी इन देयर एनालिसिस ऑफ द इकोनॉमिक। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया 1930 के पहले जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे वो फिजिकल पॉलिसी को इंक्लूड नहीं करते थे। मतलब क्या, फिजिकल पॉलिसी को इंक्लूड ना करने का मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं था। उनका ऐसा मानना था कि अगर गवर्नमेंट इकोनॉमिक में इंटरफेयर करेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगी, क्लासिकल इकोनॉमिक्स करते थे। बट क्या हुआ, और वो क्या करते हैं, इट वॉज बिलीव दैट लेस देन गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन इन द इकोनॉमिक द बेटर इट इज। ठीक है, जैसे मैंने बताया जितना ज्यादा गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम होगा उतना ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और उतना बेटर होगी, ऐसा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव करते थे, राइट। दिस बिलीफ अलॉन्ग विद द प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द प्राइवेट फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन वॉज द फाउंडेशन ऑफ लेजिस्फेयर कैपिटलिज्म, राइट। और जो प्राइवेट सेक्टर्स से जो प्राइवेट ओनर थे, वो लोग भी यही बिलीव करते थे कि अगर गवर्नमेंट इकोनॉमिक इंटरफेयर करेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं करेगी, अगर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं रहेगा इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी, उसे हम बोलते हैं लेजिस फेयर कैपिटलिज्म। मतलब क्या होता है, जहां पे नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, जिस सिस्टम में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है उसे हम बोलते हैं लेजिस फेयर कैपिटलिज्म। ठीक है, तो हुआ क्या, 1930 के बाद 1930 में ऐसा ग्रेट डिप्रेशन आया, जैसे हम बोलते हैं 1930 और 1929 ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन आया तो मार्केट अपने आप हैंडल नहीं कर पाई, उस डिप्रेशन को मार्केट हैंडल नहीं कर पाई, जिसकी वजह से इकोनॉमिक लो हो गई, राइट। इकोनॉमिक लो मतलब डिप्रेशन आ गया। तो उस समय इकोनॉमिस्ट ने, जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है केन्स वगैरह, उन्होंने फिजिकल पॉलिसी लाने का सजेशन दिया, मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आना चाहिए क्योंकि मार्केट उस ग्रेट डिप्रेशन को खुद हैंडल नहीं कर पा रही थी, राइट। तो गवर्नमेंट अपनी फिजिकल पॉलिसी लेके आती है जिसकी वजह से इकोनॉमिक दोबारा स्टेबल होती है, राइट। तो प्रिंसिपल ऑफ साउंड फाइनेंस में हम यही पढ़ेंगे, मतलब जहां पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता है तो क्या क्या चीजें थी। ओके, तो द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द फीचर ऑफ साउंड फाइनेंस। साउंड फाइनेंस मतलब क्या होता है, जब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं था तो इकोनॉमी कैसी थी, और जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट थे वो क्या कहते थे, राइट, कौन सा थियरी और कॉन्सेप्ट रखते थे, उसे हम बोलते हैं साउंड फाइनेंस। क्या बोलते, साउंड फाइनेंस मतलब ट्रेडिशनल फाइनेंस। साउंड फाइनेंस मतलब क्या होता है, ट्रेडिशनल फाइनेंस। ओके, तो फर्स्ट क्या, सेज लॉ। सेज क्या कहते थे, लाइक मेनी अदर क्लासिकल प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ साउंड फाइनेंस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द सेज लॉ। ठीक है, क्योंकि जो साउंड फाइनेंस है वो ट्रेडिशनल है, क्लासिकल है, राइट। तो ये सेज भी जो थे वो क्लासिकल थे, तो उनके हिसाब से क्या होता है, दैट इज सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। उनका कहना था जितनी हम सप्लाई करते जाएंगे उतना डिमांड क्रिएट होता जाएगा, राइट।
जितनी हम सप्लाई करते जाएंगे उतना डिमांड क्रिएट होते जाएगा, वो बार्टर सिस्टम की बात करते थे। बट मॉडर्न इकोनॉमिक में ऐसा नहीं होता, आप अगर सप्लाई करेंगे तो डिमांड अपने आप नहीं होने वाली, राइट? क्योंकि पहले हमें एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना पड़ता है, फिर प्रोडक्शन करना होता है, राइट? तो सिंस वन मैन एक्सपेंडिचर एंड अनदर मैंस इनकम, एग्रीगेट डिमांड विल ऑलवेज बी इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई। देखो सेल्स क्या कहते थे, मतलब क्या वो क्या कहते थे, जितना सप्लाई होगा उतना डिमांड होगी। मतलब सप्लाई डिमांड क्रिएट करती है, जितना ज्यादा प्रोड्यूसर सप्लाई करते जाएगा उतना डिमांड क्रिएट होती जाएगी। तो वो क्लासिकल थे, तो उनका कहने का क्या मतलब था कि हमेशा क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड इक्वल होगा एग्रीगेट सप्लाई का, ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते थे, ठीक है? तो सीधी सी बात है कि अगर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होगा तो इकोनॉमिक में क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। क्या होगा? फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है? फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है? क्या होता है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स आर्ग्यू दैट सिंस द एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई देर कैन नॉट बी ओवर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो देखो क्या होता है कि अगर एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है तो ओवर प्रोडक्शन होगा नहीं, अंडर प्रोडक्शन नहीं होगा। अगर ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा, अंडर प्रोडक्शन नहीं होगा, तो इन्फ्लेशन नहीं आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, रिसेशन नहीं आएगा, राइट? ऐसी सारी चीज़ें होंगी ही नहीं, तो गवर्नमेंट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये साउंड फाइनेंस है। और साउंड फाइनेंस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है। तो ये लॉजिक था उनका। इन अदर वर्ड, द इकोनॉमी कैन नॉट सफर फ्रॉम द फ्लक्चुएशन लाइक अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, ठीक है? अगर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है तो वहाँ पे फ्लक्चुएशन होगा ही नहीं प्रोडक्शन में। अगर फ्लक्चुएशन नहीं होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट आएगा ही नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट आएगा नहीं तो गवर्नमेंट की जरूरत नहीं होगी, ऐसा उनका मानना था। ड्राइविंग बाय द प्रॉफिट मोटिव, द प्राइवेट सेक्टर्स विल इंश्योर द ऑप्टिमम यूज ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है? मतलब जो प्राइवेट सेक्टर्स है वो भी जो रिसोर्सेज है ऑप्टिमम मैनर में यूज करेंगे, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या है, इक्वल है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है? तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की कोई जरूरत थी नहीं। थर्ड क्या बताता है, इनविजिबल हैंड, ठीक है? ये क्या है, साउंड फाइनेंस है। साउंड फाइनेंस किससे बेस्ड है, ट्रेडिशनल पे, मतलब क्लासिकल इकोनॉमिक्स पे। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या कहते थे कि इनविजुअल हैंड, इनविजुअल हैंड मतलब क्या होता है, ऐसी ऐसा कुछ है जो अपने आप इकोनॉमी को क्या कर रहा है, एडजस्ट कर जा रहा है। अगर कुछ भी फ्लक्चुएशन होता है स्लाइटली इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट प्रोडक्शन अनप्रोडक्शन में, तो अपने आप क्या हो जाएगा, हैंडल हो जाएगा, अपने आप सेटल हो जाएगा, राइट? तो ये क्या होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इनविजुअल हैंड। देखो प्राइवेट ओनर्स ऑफ द फैक्ट्री ऑफ द प्रोडक्शन विल ऑलवेज अचीव मैक्सिमम लेवल ऑफ द एफिशिएंसी इन देयर यूज ऑफ द रिसोर्सेज एज दे आर डिराइव्ड बाय द सेल्फ इंटरेस्ट एंड द प्रॉफिट मोटिव, ठीक है? उनका कहने का मतलब क्या था, जो प्राइवेट ओनर्स होते हैं उनकी जो इंटरेस्ट है वो प्रॉफिट अर्न करने में है, तो प्रॉफिट अर्न करने में है, तो जो रिसोर्सेस है वो ऑप्टिमम मैनर में खुद यूज कर लेंगे, वहाँ पे गवर्नमेंट की जरूरत नहीं होगी। ये सेकंड पॉइंट कहता है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, टैक्सेशन। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल स्कूल ऑफ द थॉट्स, टैक्सेस आर हार्मफुल बिकॉज दे एडवर्सली अफेक्टेड द विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू वर्क सेव एंड इन्वेस्ट। द टैक्सेशन वॉज एक्सपेक्टेड टू बी केप्ट अ मिनिमल लिमिट, हाई प्रोग्रेसिव टैक्सेशन विल लीड टू स्लो इकोनॉमिक प्रोग्रेस और दे बिलीव दैट टैक्सेस शुड नॉट बी यूज एज अ रिडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो क्या बिलीव करते थे, भरोसा करते थे कि जो टैक्स है, टैक्स लगने की वजह से, क्योंकि प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या होता है, जितनी जिसकी कैपेबिलिटी उसके हिसाब से गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स चार्ज करती है। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का ऐसा मानना था, मतलब साउंड फाइनेंस का ऐसा मानना था कि अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, लोगों की जो विलिंगनेस होगी, जो एबिलिटी होगी काम करने की, वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टैक्स लगाने की वजह से लोगों को ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, तो उनके पास पैसे नहीं बचेंगे, अगर पैसे नहीं बचेंगे तो वो सेव नहीं कर पाएंगे, इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, राइट? तो इससे इकोनॉमिक क्या हो जाए, इकोनॉमी की ग्रोथ क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, ऐसा क्लासिकल इकोनॉमिक्स का मानना था। तो वो टैक्स को भी हटा देते, और टैक्स का नाम आने का मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन उन्हें नहीं चाहिए था, राइट? फिफ्थ क्या बताता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग वॉज एक्सपेक्टेड टू बी इन द ट्रेडिशनल एरिया लाइक डिफेंस, लॉ, ऑर्डर, जस्टिस एंड द प्रोविजन ऑफ द सिविक एमिनिटीज। सिंस द गवर्नमेंट बजट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू लार्ज इन साइज, गवर्नमेंट स्पेंडिंग वॉज नॉट लार्ज रिलेटेड टू द स्पेंडिंग इन द इकोनॉमिक, राइट? उनका क्या मानना था, जैसे कि मैंने बताया होगा कि पब्लिक क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो थे वो क्या बोलते थे, जो क्लासिकल गवर्नमेंट होती है उनकी एक्टिविटी बहुत लिमिटेड होती है, राइट? लॉ, जस्टिस, डिफेंस ये प्रोवाइड करना होता है, तो उसके लिए पैसे भी कम लगते हैं। अगर ऐसे कम लगते हैं, गवर्नमेंट के पास लिमिटेड एक्टिविटी है, लिमिटेड पब्लिक एक्सपेंडिचर है, तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इकोनॉमिक में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतनी कम उनकी एक्टिविटी है, तो उनके पास जो बजट होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर का वो भी कम है, तो टैक्सेशन लगाने की क्या जरूरत है, फिस्कल पॉलिसी लाने की क्या जरूरत है, राइट? वो उतने से ही काम हो जाएगा, राइट? तो ये पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं, मतलब क्लासिकल इकोनॉमिक्स के हिसाब से ऐसा पब्लिक एक्सपेंडिचर में होगा, मतलब गवर्नमेंट इंटरवेंशन उन्हें नहीं चाहिए था। सिक्स क्या कहते हैं, बैलेंस बजट। हाँ ये देखो, बैलेंस बजट मतलब क्या होता है कि जब आपका रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर क्या होता है, इक्वल होता है, उसे हम बोलते हैं बैलेंस बजट। और डेफिसिट बजट क्या होता है, जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है
है रेवेन्यू से, ठीक है, वो होता है डेफिसिट बजट। और सरप्लस बजट क्या होता है, जब रेवेन्यू ज्यादा होता है एक्सपेंडिचर से, ठीक है। और बैलेंस बजट क्या होता है, और बैलेंस बजट क्या होता है, जब आपका एक्सपेंडिचर इक्वल होता है रेवेन्यू का, ठीक है। ये तीन टाइप्स के बजट होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव करते थे कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, राइट, और ओवर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, अंडर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो बजट क्या होगा, बैलेंस्ड होगा। बजट क्या होगा, बैलेंस्ड होगा, मतलब एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू क्या होंगे, इक्वल होंगे। इन द लेटेस्ट फेयर कैपिटलिज्म, सिंस ऑल द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शंस आर नॉर्मली ओन्ड एंड यूज्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल, द गवर्नमेंट कैन मेक यूज ऑफ सच फैक्टर्स ओनली बाय द डिप्रेमिंग द प्राइवेट सेक्टर्स, राइट। एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द गवर्नमेंट वुड नॉट इंक्रीज टोटल डिमांड फॉर द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन एज देयर इज ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, इकोनॉमिक में पहले से ही फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो सरप्लस और डेफिसिट की कोई बात ही नहीं आती है, क्योंकि फ्लक्चुएशन होगा ही नहीं एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू में, फुल एम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास इनकम है, डिमांड और सप्लाई सब कुछ इक्वल है, तो बैलेंस बजट भी होगा। ये एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव करते थे, और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ऐसा बोलते थे, और गवर्नमेंट, राइट, 1930 के पहले। सेवेंथ है मार्केट एफिशिएंसी, द मार्केट मैकेनिज्म इज अज्यूम टू बी अचीव मैक्सिमम लेवल ऑफ एफिशिएंसी, मार्केट फेलियर आर ओनली द टेम्पररी एंड द मार्केट इज फुल्ली कैपेबल ऑफ करेक्टिंग इटसेल्फ, ठीक है। ये साउंड फाइनेंस है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स बिलीव करते थे कि मार्केट अपने आप सब कुछ हैंडल कर लेगी, जो भी फ्लक्चुएशन होंगे इकोनॉमिक में, तो उनका ऐसा मानना था कि मार्केट मार्केट लेवल जो होता है वो, मतलब जो एफिशिएंसी होती है मैक्सिमम लेवल पे, मार्केट इतनी कैपेबल है कि वो अचीव कर सकती है, मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन यहाँ पे नहीं चाहिए, मार्केट फेल होगी नहीं क्योंकि मार्केट खुद हैंडल कर लेगी जो भी फ्लक्चुएशन होगा टेम्पररी पीरियड ऑफ के टेम्पररी पीरियड के लिए, राइट। देयर फॉर देर इज नो जस्टिफिकेशन ऑफ एनी गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन द मार्केट, ठीक है, क्योंकि मार्केट खुद कैपेबल है, वो जो भी फ्लक्चुएशन होंगे रिसोर्सेज में वो हैंडल कर लेगी, एफिशिएंटली यूज करेगी रिसोर्सेज, तो वहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड रिस्ट्रिक्शन की कोई भी जरूरत नहीं होगी। क्लासिकल इकोनॉमिक्स ऐसा बिलीव करते थे। एट वन क्या है, रिकार्डियन इक्विवेलेंस थ्योरम। रिकार्डियन इक्विवेलेंस थ्योरम क्या कहती है, बजट डेफिसिट आर द अनइकोनॉमिकल हार्मफुल एंड सोशली अनडिजायरेबल, ठीक है। उनका जो रिकार्डियन थ्योरम का मानना था कि जो बजट डेफिसिट होती है वो क्या होती है, हार्मफुल होती है इकोनॉमिक के लिए। बजट डेफिसिट का मतलब क्या होता है, जब एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है रेवेन्यू कम होती है, ठीक है, तो ये जो कंडीशन होती है इकोनॉमिक के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है। तो क्या बोलते हैं, द लीड टू इन्फ्लेशन एंड हार्म इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ठीक है। अगर बजट डेफिसिट होगा तो वो क्या, उससे क्या होगा, इकोनॉमिक में इन्फ्लेशन आ जाएगी, ठीक है। दिस बिलीव वॉज बेस्ड ऑन द रिकार्डियन इक्विवेलेंस थ्योरम, अकॉर्डिंग दिस थ्योरम डेफिसिट विल नॉट बी बूस्ट द इकोनॉमिक, डेफिसिट विल हैव टू बी लेटर मेट बाय द राइजिंग टैक्सेस, ठीक है। उनका ऐसा मानना था अगर इकोनॉमिक में डेफिसिट आ जाएगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स रेट बढ़ा देगी, क्योंकि उसको डेफिसिट मीट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर ज्यादा है रेवेन्यू से, तो रेवेन्यू और कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ा देगी, ठीक है। दिस इज नोन टू द पीपल एंड दे विल इंक्रीज देयर सेविंग टू पे द हायर टैक्स टैक्स लेटर टैक्सेस लेटर। गवर्नमेंट डेफिसिट से बच डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए, डेफिसिट को मिट करने के लिए टैक्स रेट बढ़ा देगी। अगर टैक्स रेट बढ़ा देगी तो लोगों को टैक्स पे करना पड़ेगा, और टैक्स पे करने के लिए लोगों को सेविंग करनी पड़ेगी, ठीक है, हायर टैक्स पे करने के लिए। एज देर इज अ सेविंग इंक्रीज दे विल नॉट इंक्रीज द कंजम्पशन, क्योंकि टैक्स पे करने में लोगों को पैसा जाएगा, ठीक है, तो उनका कंजम्पशन क्या होता जाएगा, डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। कंजम्पशन क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा, एंड देयर फॉर इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर विल नॉट एबल टू बूस्ट द डिमांड प्रोडक्शन एंड द बूस्ट बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो डेफिसिट की वजह से इकोनॉमिक क्या ग्रोथ नहीं कर पाएगी, ये रिकार्डिंग इक्विवेलेंस थ्योरम कहते थे। उनका मानना था कि अगर पब्लिक डेफिसिट आ जाती है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स रेट बढ़ा देगी, अगर टैक्स रेट बढ़ा देगी तो लोगों को टैक्स पे करना पड़ेगा, अगर लोगों को टैक्स पे करना पड़ेगा तो लोगों के पास इनकम नहीं बचेगी, अगर लोगों के पास इनकम नहीं बचेगी तो वो डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे मतलब कंजम्पशन नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा, अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं होने वाली है, ठीक है। ये सब थियरम था साउंड फाइनेंस का, और ये सब सारे पॉइंट्स थे साउंड फाइनेंस के। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल फाइनेंस, जो मॉडर्न फाइनेंस होता है।